Because why not? हाँ जी, सत श्री अकाल जी, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज हम पहुंच गए हैं कैलगरी में और आज हम जाने वाले हैं बैंफ। मेरा प्लान तो ये था कि मैं गाड़ी वगैरह में जाऊंगा, रोड ट्रिप करूंगा, लेकिन मतलब मैं ऐसे ही तुक कैसे कल कैलगरी आया और यहाँ पे आया मेरे दोस्त है मोहित, उसके पास आया तो उसने बोला चलो आज चलते हैं यार बैंफ घूम के आते हैं। तो हमने एक टूर सा लिया है, यहीं से पिकअप करेगा हमें डाउन टाउन कैलगरी से, और 10 घंटे का टूर होगा और वो हमें काफ़ी जगह घुमाएगा। तो देखो यार, ये शहर तो बड़ा सुंदर है, नो डाउट। अभी सुबह के 7 बजे लेकिन इतना ज़्यादा शोर है, मैं दिखाता हूँ आपको इधर उधर के नज़ारे। यहाँ से ट्रेन जा रही है, अभी सनराइज हो रहा है खूबसूरत सा, और रात को तो बड़ा अच्छा नज़ारा होता है यहाँ से। तो ये बिल्डिंग का नाम मैं भूलिए क्या है, ये 17th फ्लोर है उस बिल्डिंग का। आई विल पुट द नेम नीचे कि क्या नाम है बिल्डिंग का। चलिए निकलते हैं फटाफट एंड लेट्स सी हाउ द डे गोज। काफ़ी धार्मिक माहौल हो रहा है यहाँ पे दिन को शुरू करने से पहले। तो यार यही थी बिल्डिंग जिसमें हम रुके हुए थे। ये है मोहित, वो है जैस्मिन, आपको मिलवाता हूँ बाद में मैं। अभी हम भाग रहे हैं, एक्चुअली हमारी बस छूटने वाली है। वी ओनली हैव लाइक आई डोंट नो 7 मिनट्स। नो, वी ओनली हैव 2 मिनट्स। 2 मिनट्स और 10 मिनट की वॉक है। तो ये है यार कैलगरी का डाउनटाउन, ये जो इनका फेमस टावर। चलो पहले बस पकड़ते हैं फिर बात करते हैं आगे। तो हम तो पहुंच के टाइम पे, हमारी वैन लेट थी, वैन भी आ गई अभी आफ्टर मे बी 10 मिनट्स ऑफ वेटिंग। तो इसी में आज 10 घंटे हमें स्पेंड करने हैं। मेरे ख्याल से कोई और है ही नहीं, हम तीनों ही हैं बस, है ना? उन्होंने कहा मैं बाकी ट्रैवलर्स को लेकर आता हूं। अच्छा, और भी है क्या? तो यार तकरीबन 1.5 घंटे की राइड के बाद हम पहुंच गए हैं लेक लुई की पार्किंग, मतलब ये बैंफ हमने क्रॉस किया रास्ते में, टाउन है एक, तो जो ये नेशनल पार्क है इसका नाम है बैंफ नेशनल पार्क, और इसके अंदर बहुत सारी लेक्स हैं। अभी यहाँ पे देखिए बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं, बहुत ही भीड़ होने वाली है। तो लेक लुई यहाँ से मेरे ख्याल से थोड़ा सा वॉकिंग होगा, देखते हैं क्या सीन है, बट एक चीज़ पक्की होगी कि बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, काफ़ी भीड़ होने वाली है। तो एक्चुअली पार्किंग लॉट से मेरे ख्याल से 5 मिनट की वॉकिंग है, कोई हाइक नहीं है यहाँ पे, और काफ़ी सरप्राइजिंगली यहाँ पे भीड़ नहीं दिख रही मुझे। जितनी गाड़ियाँ खड़ी थी पार्किंग लॉट में, लगा था कि पता नहीं कितनी भीड़ होगी। जो पानी की शेड है ना, दैट डिपेंड्स कि सनलाइट कितनी पड़ रही है, मतलब किस एंगल पे सनलाइट आ रही है ना, उस पर डिपेंड करता है कि अब कितना वो टर्कोइज ब्लू दिखेगा। अभी दिख रहा है, ठीक ठाक है, मतलब मेरे ख्याल से ऊपर जाएंगे ना कहीं, अगर ऊपर कोई व्यू पॉइंट होगा तो इट विल लुक बेटर ऊपर से जब देखेंगे तो। बट हाँ, काफ़ी नाइस, मेरे ख्याल से पूरा ऐसे लूप है इसका ना। हाँ, तो मैं यहाँ पे, इसने 1 घंटा दिया है टाइम, तो इधर चलते हैं घूम के आते हैं ऊपर वो पूरा उधर तक। तो काफ़ी सुंदर सी लेक है और सर्दियों में जम जाती है, देखो सर्दियों के लिए ये लाइक यू कैन वॉक ऑन इट एंड ऑल दैट स्टफ। तो यार लिटरली काफ़ी सुंदर लेक है ये, और व्यूज़ तो बहुत सुंदर है, मतलब ये जो रास्ता जाता है ना, मेरे ख्याल से इट गोज़ यहाँ तक, देन यू हैव टू कम बैक। अभी हमारी बस का टाइम हो गया वापस जाने का। तो ये लेक तो ठीक है, मतलब यहाँ पे अगर बैठने को टाइम मिले ना, अगर आप खुद की गाड़ी से आओ और यहाँ पे बैठो आराम से आधा पौना घंटा, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। टूर्स में फिर यही सीन रहता है कि आपको भागना पड़ता है। तो अभी मेरे ख्याल से नेक्स्ट है लेक मुरीन, आई डोंट नो, चलो चलते हैं।
तो यार मेरे ख्याल से 20 मिनट ही चले हैं और आगे हम मोरेन मोरेन लेक उधर जाके सामने। यहाँ थोड़ी कम भीड़ लग रही है। हाँ की बहुत डिफरेंट है, गार्बेज खोल के देखा है। पुश अप ही लिखा हुआ ओदे अंदर बने हुआ अच्छा ताकि पालू ना। ओ तो देखिए इसका लॉक अलग से है कि ऐसे नहीं खुलता ये, इसमें अंदर डाल के उंगलियां साउंड स्टार्ट ताकि भालू वगैरह ना आ जाए। तर मेरा तो सही है कि कभी घूम लिया कभी वापस चले गए इंडिया अपनी फैमिली के पास, लेकिन जो लोग परमानेंटली मूव हो चुके हैं डिफरेंट कंट्रीज़ में अपनी फैमिलीज़ को सपोर्ट करने के लिए, उनको काफ़ी दिक्कत आती होगी बिकॉज ऑब्वियसली वी कांट गिव बैक टू आवर फैमिलीज़ जितना उन्होंने हमारे लिए किया है, लेकिन हमारे मन में ये रहता है हमेशा कि यार कोई दिक्कत नहीं चाहिए हमारी फैमिली को। तो यहाँ पे आती है टर्म इंश्योरेंस कि आपके जाने के बाद कुछ आपको मिसअप हो जाता है तो आपकी फैमिली को पैसे मिल जाते हैं और उनको मॉनिटरी दिक्कतें कम आती हैं। लेकिन जो हमारे NRI ऑडियंस उनको पता होगा कि भाई UK और दुबई में कितनी महंगी है टर्म इंश्योरेंस। यू कैन बाय 5 करोड़ तक के टर्म इंश्योरेंस प्लान्स और वो भी 30-50% सस्ते विदेशों से। प्लस दे ऑल्सो गिव यू लॉन्गर टर्म ऑप्शन के प्लान्स जैसे कि अप टू 99 ईयर्स ऑफ एज ऑल्सो। और आपके NRE अकाउंट्स पे आपको 18% GST देना नहीं पड़ेगा, प्लस अगर आप एनुअल पेमेंट करते हो तो 5% और डिस्काउंट है। ऑल्सो मेडिकल टेस्ट का भी कोई एडिशनल कॉस्ट नहीं होता। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, यू कैन गो चेक देम आउट। तो जो यहाँ की रोड है ना बढ़िया 2-lane रोड है, लेकिन हमारे ड्राइवर भाई साहब बता रहे थे, कह रहे कि इसको डेंजरस बोलते हैं यहाँ के लोग और सर्दियों में बंद कर देते हैं। तो अक्टूबर से मार्च है ना, अक्टूबर टू जून, अक्टूबर टू जून yeah. तो सिर्फ ये 2-3 महीने खुली रहती है। ओके ओके ओके, तो ये बंद रहती है ये रोड जो यहाँ की। तो अच्छा तो भाई का आ गया भाई, तो ट्रैकिंग करनी पड़ेगी। अच्छा वो ऊपर है पॉइंट, एक बढ़िया व्यू आएगा वहाँ से। अच्छा जैस्मिन तेरे कितनी देर होगी यहाँ पे रहते हुए कनाडा में? मुझे 8 साल होने वाले हैं। अच्छा फिर पक्की कुड़ी बन गई? नहीं क्या पक्की कुड़ी बन गई कि नहीं? पक्की तो हो गई है बट सिटीजनशिप नहीं हुई मतलब हो सकती है बट मैं अप्लाई नहीं की। ओके ओके ओके, हमारे पंजाब में ऐसे होता है कि अच्छा साडा मुंडा पक्का होगा साडी कुड़ी पक्की होगी पक्के तो होगी मतलब पासपोर्ट वगैरह वो वाला सीन। चलो भाई ये देखो यहाँ पे हाइक पे ना स्पेशली लिख रखा है इन्होंने कि 4 लोग ग्रुप में जाना है क्योंकि यहाँ पे भालू है ग्रिजली, वो भी छोटे मोटे नहीं। तो ये तो एक और ट्रेल, लेकिन हम ऊपर जा रहे हैं। ये देखो यार अब ये मतलब दिख रही होगी ज्यादा ब्लू दिख रही है बिकॉज हम हाइट से देख रहे हैं, थोड़ी तो ज्यादा ब्लू दिखेगी रिफ्लेक्शन सनलाइट की, बट काफी सुंदर है यार ये। वैसे भीड़ तो यहाँ पे भी काफी है बट जैसे मतलब लिखा तो है कि नहीं जाना, लेकिन लोग जाते हैं। देखिए वहाँ बैठे हैं, उधर भी बैठे हैं बहुत सारे लोग। तो मतलब यहाँ भी वही सीन है कि रूल्स को इतना कोई फॉलो करता नहीं है, फोटो के लिए सब अपना अपना स्पॉट ढूंढते हैं वहाँ पे और बैठ जाते हैं। तो ये मेरे ख्याल से टॉप मोस्ट पॉइंट है ट्रेल का और यहाँ से व्यू तो बहुत ही शानदार है। उधर नीचे ही है पार्किंग के सामने, तो मेरे ख्याल से वही 5 मिनट की हाइक है, ज़्यादा हाइक नहीं है। व्यू तो काफ़ी सुंदर है, अभी यहाँ कहीं बैठते हैं आराम से और अपना पिकनिक करते हैं। तो हमने यहाँ पे अपना स्पॉट ढूंढ लिया, एक बढ़िया स्पॉट है। और यार कितने ही सुंदर पहाड़ है ये, प्लस जो ये बोट्स काफ़ी क्लियर। हाँ जूम तो मेरे को कितने होना, मैं थल्ले ना हो जाऊँ? अच्छा हम लोगों के फ्रेम में आ रहे हैं, थोड़ा नीचे होना पड़ेगा नहीं तो उसकी फोटो में आ जाएंगे। Is it okay? और बाकी उन लोगों के लिए जिनको वीजा नहीं मिल रहा कनाडा का, उनके लिए मैं आपको बोलूंगा कि दिस लेक इज एग्जैक्टली सिमिलर टू बिग अलमाती लेक, कजाकिस्तान में है अलमाती में, ऐसी ही लेक है वो भी, ऐसे ही बढ़िया पीछे पहाड़ है और ऐसा ही ब्लू पानी है। तो मतलब जस्ट पुटिंग इट आउट देयर, अगर किसका वीजा नहीं लग रहा कनाडा का तो यू कैन गो टू कजाकिस्तान ऑल्सो, बट नेवरदलेस वेरी ब्यूटीफुल। निकिया निकिया गलेरियां इथे की करना भी दिबांग ब्रो साडी पिक्चर क्लिक कर दो, फोटो खींचनी है ओ अरे की कैमरामैन में। तो ये हमने मॉडल्स रखे हैं दो, वो रखी है फोटोग्राफर एक फ्री की ले ले
Guess why not? It will be 20 CAD per photo. 20 Canadian dollars per picture. How many? We have a package of 10 photos and 2 videos for 250. Plus taxis. Taxis extra in Canada, yes. Look here. ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਚਾਹੀਦਾ ਚਿਪਸ ਹਾਂ ਤੇ ਚਿਪਸ ਲੈਣ ਆਈ ਸੀਗੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਉਹਨੇ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਗਾ ਉਹ ਲੈ ਗਈ ਤੇ ਕਾਫੀ ਸੁੰਦਰ ਲੇਖ ਹੈ ਕਿ ਯਹਾਂ ਪੇ ਵੀ ਵਹੀ ਸੀਨ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪ ਖੁਦ ਆਓਗੇ ਨਾ ਆਪਣੀ ਗਾੜੀ ਸੇ ਤੋ ਯੂ ਕੈਨ ਸਪੈਂਡ ਮੋਰ ਟਾਈਮ ਅਭੀ ਤੋ ਹਮੇਂ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਪੜੇਗਾ ਵਹੀ 1 ਘੰਟੇ ਕਾ ਟਾਈਮ ਦੇਤੇ ਹੈ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਪੇ ਤੋ 1 ਘੰਟਾ ਤੋ ਐਸੇ ਨਿਕਲ ਜਾਤਾ ਹੈ ਫਟਾਫਟ ਹੀ ਤੋ ਅਭੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸੇ 2-3 ਔਰ ਲੇਖਸ ਹੈ ਤੋ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਔਰ ਹੈ ਅਭੀ ਦੇਖਨੇ ਕੋ ਇਸ ਵਲੌਗ ਮੇਂ ਦੇਖਤੇ ਰਹੀਏ तो इस टूर का जो लंच स्पॉट है वो है लेक लुई विलेज जो भी बोलते हैं इसको तो लेक लुई विलेज है वापस हम लुई पे आ गए हैं लुईस पुतले लुई बोलते हैं आई डोंट नो जो भी है तो यहाँ पे है आधे घंटे का स्टॉप कुछ खाते पीते हैं फिर निकलेंगे आगे और भी मतलब 2-3 लेक्स और हैं आज हमारा स्टॉप यहाँ पे था तो मैं थोड़ा चल के साइड में आया यहाँ पे तो काफ़ी अच्छा व्यू है यार मतलब यही फर्क है इंडिया में आपको अगर ऐसा व्यू देखना हो ऑब्वियसली मिलेगा लेकिन यू विल हैव टू ट्रैवल अ लॉट कितना साफ पानी यार यार नेचर तो मतलब कनाडा में भरी हुई है ना यही देखने आया हूँ मैं तो ज़्यादा मेरे व्लॉग ऐसे नहीं होंगे कि मैंने आपको शहर दिखा दिया जैसे कल था मैं कैलगरी में तो मुझे मोहित ने बोला भाजी ने बोला सभी भाजी ने भी बोला कह रहे तू व्लॉग बना रहा है मैं कुछ है नहीं दिखाने का क्या दिखाऊंगा मैं तो सिटीज़ के व्लॉग कम ही आएंगे ज़्यादातर आपको मैं नेचर ही दिखाऊंगा लो जी एक और लेक आ गई इसका नाम है इनाल एमरल्ड लेक हाँ एमरल्ड लेक हवा बहुत तेज चल रही है लेकिन व्यू पॉइंट भी काफी बढ़िया है ना तो यहाँ पे फिशिंग मना है कयाकिंग मना है सब कुछ ही मना है सुंदर तो है यार अल्बर्टा बट वैसे तो हम बीसी में आ गए तो ये योहो नेशनल पार्क है ये योहो नेशनल पार्क बीसी लॉज तो बनी हुई है बहुत सारी कॉटेजेस हैं बट काफ़ी एक्सपेंसिव होंगी मेरे ख्याल से आजकल तो चल रहा है सीज़न आजकल तो नॉर्मल होटल्स ही $800 तक मतलब कैनेडियन डॉलर तक पहुंच गए हैं बैंफ एरिया में ये भी महंगे होंगे ये तो काफ़ी सुंदर है यार ये तो मुझे याद आएगा रोमानिया फूल ही फूल जो यार मुरेन लेक थी ना उसकी जो रोड जाती है वहाँ पे प्राइवेट व्हीकल्स अलाउड नहीं है सिर्फ कमर्शियल व्हीकल्स अलाउड है तो अगर आप तो खुद अपनी गाड़ी लेके आ रहे हैं ना तो जहाँ हमने लंच किया था वहाँ आप गाड़ी पार्क करते हैं और फिर वहाँ से आपको बस लेनी पड़ती है एंड देन यू कैन गो टू द लेक बट मेरे ख्याल से फिर भी अपनी गाड़ी ही ज़्यादा मज़ेदार है इसमें ज़्यादा भागम भाग है कि एक घंटा यहाँ पर देख लो फिर आगे भागो फिर एक घंटा और देख लो फिर आगे भागो अभी यहाँ पर भी मेरा स्टॉप जो है 40 मिनट्स का ही है तो ये आ गया हमारा स्पॉट ये हमारा ड्राइवर मतलब हमारा गाइड ड्राइवर जो भी लगा लो ऑल इन वन इज इट बेटर देन द अदर लेक्स सो यू आर सेइंग दैट मोरेन इज योर फेवरेट हां यस इट्स माय फेवरेट बिकॉज़ देयर You can hide higher. Uh-huh. And then you can have your own spots. Yes, sit. You can have a little bit private spot. You can go down mm-hmm. on the rocks and mm-hmm. you can see squirrels that like chips. So it's हमें वहाँ पे actually squirrel दो तीन आई वो chips खाने आ गई थी तो इसको वो बड़ी पसंद आई तो okay so you like Moraine Lake because of the squirrels. Yes, of course. One of the reasons is squirrels. And
correspondents are like They're like, you know, there's some different levels as well. You can see in mountains, here a little bit more like same level, but here I think like we're not able to have a nice viewpoint. That's also a downside. Yeah, तो अभी हम ढूंढ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कोई ऐसा स्पॉट जहाँ पे हमें थोड़ा सा ज़्यादा व्यू दिख जाए, because yeah, but I don't think so. I don't think this trail goes anywhere close to a viewpoint. I think we have taken a wrong turn. यार इधर तो कोई भी आगे था नहीं viewpoint. हमने रास्ते में पूछ लिया किसी से, and they were like, नहीं, we go from the opposite direction. So now we try to find that spot from the other direction. हम पहले उधर चले गए थे, उधर से व्यू नहीं था. यहाँ से हम एंटर करे थे इस ब्रिज से इधर आ जाओ और फिर यहाँ से है ये व्यू. ये काफ़ी अच्छा व्यू है, मच बेटर व्यू ऑफ द लेक. वो पीछे पहाड़ है ना और वो हट वगैरह है, तो नाइस स्पॉट. बट यार लेक्स तो सारी एक जैसी ही हैं. मे बी मतलब मोरेन लेक में वो जो स्पॉट था ना ऊपर बैठने वाला, वो थोड़ा अच्छा था, थोड़ा ऊपर से दिख रहे थे हम लेक को. बट अदरवाइज मतलब लेक में क्या ही होगा, लेक पानी नीला किश्तियाँ. तो अभी हम रुके हैं नेचुरल ब्रिज करके कोई जगह है, वाटरफॉल सा है, सुंदर है यार. अगर कोई यहाँ पे गिर जाए तो क्या बनेगा उसका, इधर भी खुलता होगा आगे भी. तो ये भी योहो नेशनल पार्क में ही पड़ता है. योहो नेशनल पार्क बीसी, ब्रिटिश कोलंबिया, वो वाला बीसी नहीं. है तो बढ़िया यार ये, पर इसका नाम नेचुरल ब्रिज क्यों पड़ा है वो पता नहीं लग रहा मेरे को. कोई ब्रिज तो है नहीं यहाँ पे. मेरे ख्याल से इसी को बोलते होंगे ब्रिज, ये जो बना हुआ है. यहाँ से दिख रहा है भाई क्या, वो कितने फ्लो से पानी वहां पे आ रहा है ना. तो ये हमारा लास्ट स्टॉप आज का, जॉनस्टन कैनियन. तो इसके ऊपर ऊपर जाके दो वाटरफॉल्स हैं, अपर फॉल्स लोअर फॉल्स. मेरे ख्याल से हम लोअर फॉल्स ही जाएंगे, अपर फॉल्स नहीं जाएंगे. तो इधर आ गई सीधा ट्रेल है, तकरीबन 1 किलोमीटर का ट्रेल है, ऊपर जाके एक वाटरफॉल है, एंड देन यू हैव नाइस व्यूज. देखते हैं बाकी कैसा रहता है. सो ये देखिए यहाँ पे मैप बना हुआ है कि दो फॉल्स हैं, अपर फॉल्स लोअर फॉल्स. जो लोअर फॉल्स है वो आधे घंटे का रास्ता है और जो अपर फॉल्स है तकरीबन 1 घंटे का रास्ता है. तो हम सिर्फ लोअर ही देखेंगे आज. तो अभी शायद 5 मिनट चले हम और यहाँ से दिख रहा है हमें क्रीक का व्यू. तो ये एक्चुअली पूरी ऐसे कैनियन बनी हुई है, जैसे हम अहरबल वाटरफॉल नहीं गए थे कश्मीर में, वेरी सिमिलर. तो ऊपर जाके एक वाटरफॉल है और बाकी पूरे रास्ते में यहाँ से पानी जा रहा है. तो यू जस्ट कीप वॉकिंग अलॉन्ग साइड द वाटर स्ट्रीम. और यही कैनियन है, जो कैनियन इसी को बोलते हैं, वैली को बोलते हैं कैनियन. तो देखते हैं आधे घंटे तक आता है वाटरफॉल क्या है ऊपर. सुंदर तो है यार ये जगह काफी. कितना क्लियर पानी है यार देखो. यार ये तो खूबसूरत से और ज्यादा खूबसूरत हो ही जा रहा है हर एक मोड़ के साथ. वेरी नाइस यार, अब मजा आ रहा है काफी. तो ये देखिए ट्रेल पे ना अभी ऐसे एक वो आएगा, फोक आएगा, उस पे ऊपर जाएंगे तो
अपर फॉल्स और इधर जाएंगे तो लोअर फॉल्स। तो लोअर फॉल्स पहुंच ही गए हम, लगे तो नहीं आधा घंटा हमें, मेरे ख्याल से 15 मिनट में ही पहुंच गए। इतना नहीं सीखा यार, आप शायद 10 मिनट ही आए हैं। तो ये यार मतलब अब आप बोलोगे कि क्या बोल रहा है, तो अहरबल का वाटरफॉल इज मच बेटर देन दिस वाटरफॉल। अहरबल कश्मीर में, वो भी ऐसे ही है, मतलब ऐसे आप आते हो स्ट्रीम के साथ साथ कैनियन में और ऊपर जाके वाटरफॉल है। मे बी जो उसका सेकंड वाला ज़्यादा अच्छा होगा, आई डोंट नो, वो ज़्यादा अच्छा होगा अपर फॉल्स। बाकी यहाँ पे गुफा सी है, देख के आते हैं क्या उसके अंदर। एवरीबॉडी इज मेकिंग वीडियोस, वन वे ट्रैफिक है यहाँ पे सिर्फ। This is nice. तो वैसे यहाँ पे अपर फॉल्स भी हैं, वो मेरे ख्याल ज़्यादा अच्छे ज़्यादा सुंदर होंगे, लेकिन टाइम नहीं है, तो वही बार बार घूम के आती है बात की। अगर आप खुद गाड़ी चले के आओगे अपनी तो यू कैन स्पेंड मोर टाइम, टूर में तो फिर ऐसे ही भागम भागी होगी। तो अभी एक्चुअली आया है हमारा दिन का लास्ट स्टॉप बैम्फ टाउन, टाउन बैम्फ शहर जो है, और सरप्राइजिंगली ये काफ़ी ज़्यादा सुंदर है। मैं दिखाता हूँ आपको भी, जो ये स्ट्रीट है ना भाई, इसके व्यूज़ जो है इधर इधर पहाड़ ही पहाड़ है। ये देखो और इधर देखो, जस्ट लुक एट दैट यार, आइसक्रीम मिलती है बहुत फेमस है। हाँ चलो, यहाँ पे आइसक्रीम शॉप है, उसमें इनके यार भाई फ्लेवर काउई माउई काउनेडियन मेपल, एक राशि का फ्लेवर डैनी एमो बार, एक मतलब ठीक है काउई वाउई मैं समझ गया, पहाड़ सुंदर सा। तो यही है बस बैंक टाउन में, यू कैन वॉक हियर। अभी तो बंद हो रहा है सब कुछ क्योंकि बज रहे 8 रात के, तो ऑलमोस्ट ऑल शॉप्स आर क्लोजिंग डाउन। बट हाँ मतलब अगर आपको यहाँ रहने का मौका मिले बैंफ में तो ज़रूर, अगर आपके बजट में हो ज़रूर रहिए, यहाँ पे काफ़ी सुंदर रहिए और आइसक्रीम भी अच्छी है। तो यार वापस आ गए हम कैलगरी में, और यहाँ पता नहीं भाई इनकी बिल्डिंग जो है उसमें पता नहीं क्या क्या अमेनिटीज दे रखी हैं। ये भी दे रखा है बाहर बाहर बैठ के आग जलाओ और ऐश करो यार, छल छल्ली भूनने के लिए, यही कहेंगे हिंदी च ना, छल्ली भूनने के लिए। हाँ मक्की नहीं, छल्ली नहीं की कहते हिंदी च, कौन मक्की, हाँ छल्ली। आज का ट्रिप कैसा रहा, क्या सही लगा तुम्हें जैस्मिन? मोरेन लेक वॉज योर डीप मोमेंट, तेरा? मेरा भी मोरेन लेक फेवरेट था, लेकिन एमरल्ड लेक भी काफी बढ़िया बना हुआ था, क्योंकि वहां पर उन्होंने okay. टाउन सा बनाया हुआ था okay. मेरे लिए मैं बोलूंगा यार ठीक है लेक्स अच्छी थी, लेकिन वो ना हमने सब देखी हुई थी पहले ही इंटरनेट पे ना ये सारी की सारी फोटोज, लेकिन वो केड़ा सी कैनियन केड़ी सी की ना सी होता कैनियन दा जॉनस्टन जॉनस्टन कैनियन में आगे जाके जो वाटरफॉल था ना जो गुफा में अंदर निकल के, तो वो सरप्राइजिंग था। तो वो मैं कहूँगा मेरे लिए बेस्ट मोमेंट वो था दिन का। अदरवाइज मतलब ऑब्वियसली काफ़ी सुंदर नज़ारे हैं, रोड मतलब रोड पे जब जाते हो आप, रोड ट्रिप भी करते हो तो भी बड़ा ही सुंदर है सब कुछ,
तो मतलब हाँ, लेकिन वही है ना कि हाइप इतनी बना रखी थी कि इतना मैं एक्साइटेड नहीं हुआ पूरी ट्रिप में, बट नेवर्थलेस मतलब इट्स वर्थ इट. अगर आप आएँ यहाँ पे कैलगरी में तो बैम्फ ज़रूर जाएं. अभी जैस्पर में आग लग गई थी कुछ टाइम पहले तो वो बंद पड़ा, तो वहाँ पे जाना अलाउड नहीं है, लेकिन आई विल ट्राई अभी दोबारा से. मैं भी सम हाइक्स, आई डोंट नो, अभी जो हमने करा वो काफ़ी ऐसे ऊपर ऊपर से मतलब कर लिया हमने कि जो मतलब बैंस एरिया में ये सब चीज़ें करने के लिए, लेकिन इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें करने के लिए वो कभी किसी और वीडियो में आएंगी. इस वीडियो में इतना ही. सो या आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय फॉर नाउ. एंड द टर्म इंश्योरेंस लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन, डू चेक देम आउट.